देखो यार, हम दूसरों की गलती निकाल के उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको बेइज्जती करने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको जलील करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम इस चीज़ का वेट करते हैं, हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कोई इंसान हमको मौका दे, कोई वो गलती करे और फिर देखो उसका हम दह के लेते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब वीडियो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये वीडियो है रानू मंडल जी का, है ना, जो कुछ दिन पहले अभी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, है ना, वो बहुत फेमस हो गई थी, उनको अच्छा काम मिला है ना, उनको लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया, उनका टैलेंट जो है उसको लोगों ने पसंद किया। इस वीडियो में कोई फैन आके उनको टच कर देती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर देती है, उसको शायद डांटने लगती है, उसको कुछ बोलने लगती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों टच किया। अब देखो यार, ये जो इंसिडेंट है, ये जो वीडियो में कैद हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसने क्यों उसको डांटा, है ना। हो सकता है जब वो डांट रही है तो हो सकता है कि वो उसका मूड ऑफ हो सकता है उसका मूड अच्छा नहीं हो, क्योंकि हर इंसान का हर टाइम मूड अच्छा नहीं होता है। देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने लाइफ में काम की वजह से, किसी भी तरीके का कुछ स्ट्रेस की वजह से बहुत परेशान होते हो, उस मोमेंट में कोई भी इंसान आपसे कुछ बात करता है तो आपको उस पर गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आप उसी पर निकाल देते हो, ये चीज़ होता है। हम फैमिली में भी निकाल देते हैं, अपने माँ बाप पे कभी गुस्सा निकाल देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, अपने भाई बहन में निकाल देते हैं, बहुत अपने दिल के करीब जो इंसान है उन पे गुस्सा निकाल देते हैं यार। तो ये तो फैन थी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी वो की फैन के साथ वैसे बिहेव की वो सही है, लेकिन जो लोग आज के समय में, जो लोग उनके बारे में मीम्स बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में गलत सलत बात फैला रहे हैं, गलत चीज़ बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं और भी बहुत सारे जगहों पर, अरे यार मीम कुछ ऐसे लोग बना रहे हैं उनका कंपेरिजन पोर्न स्टार के साथ कर दे रहे हैं, तुम समझ पा रहे हो हमारी मेंटालिटी, हमारे थिंकिंग कितना गिर गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उस वीडियो के थ्रू, उस क्लिप के थ्रू, या कुछ और क्लिप होगा, कुछ और वीडियो में हो सकता है उसका रिएक्शन ऐसा होगा, या वो ऐसे रिएक्ट कर दी होगी अपने फैन के पास या फैन से, तो ऐसे में कुछ लोग उसको इतना जलील कर रहे हैं, इतना बेइज्जती कर रहे हैं। तुम एक पल के लिए सोच के देखो, क्या तुम सही कर रहे हो यार? ठीक है, मान लेते हैं उसका बिहेव अच्छा नहीं है, उसका बिहेव अच्छा नहीं था, लेकिन आप किसी भी इंसान को, वो एक वूमेन है, वो एक औरत है, और सबसे बड़ी चीज़ उसका एज जो है वो 40-50 साल आई थिंक उससे भी ज़्यादा है, वो एक लगभग आई थिंक वही औरत है, और आप उसको ऐसे जलील कर रहे हो, उसको पोर्न स्टार के साथ कंपैरिजन कर दे रहे हो। मीम में आप देखो, जो लोग मीम बनाते हैं, मीम शेयर दबा के कर रहे हैं, और जानते हो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? आपका है, जो आप वीडियो देख रहे हो आपका है, हम सबका है। हम ऐसे कंटेंट को, जो जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी को जलील किया जाए, किसी को बेइज्जती किया जाए, कोई किसी का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहा है, उसके बारे में गलत गलत चीज़ बोल रहा है, उसको हम बड़ी जल्दी शेयर करते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है, अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई तू भी देख, उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, उसको फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, भर के शेयर कर रहे हैं, और ये चीज़ इतना जल्दी वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप मिलकर शेयर कर रहे हैं, हमने एक पल भी ये नहीं सोचा कि वो जो औरत है उसने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल देखा है। अरे बहुत दिन ऐसा हुआ होगा यार वो अपने लाइफ में खाती नहीं होगी, वो स्टेशन से उठ के वहाँ तक गई है। मान लेते हैं कभी कभी उसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है फैन के प्रति, कभी वो ओवर रिएक्ट या थोड़ा सा कुछ उसका बिहेवियर गलत हो जा रहा है, तो आप किसी को इतना बेइज्जती करोगे, इतना जलील करोगे एक छोटी सी बात के लिए यार? क्या वो किसी का जान ले ली, किसी को मर्डर कर दी, किसी को गाली दे दी, क्या की? हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी पोस्ट को, ऐसी बातों को, ऐसी वीडियो को शेयर करने में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं, जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि किसी इंसान के लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है, किसी इंसान का ज़िंदगी कितना तबाह हो सकता है, हम कभी नहीं सोचते हैं। यही हमारी छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रही है। हम ऐसे ही वीडियो को शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, कोई पोस्ट शेयर कर देते हैं, कोई मीम शेयर कर देते हैं, उससे बहुत सारे लोग इतना आहत होते हैं, उनका दिल कितना दुखता है, कभी सोचा करो यार। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा कि वो जो अपना फैन के साथ जो उसका रिएक्शन है वो सही है, लेकिन हम भी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसने एक फ़ैन के साथ किया, एक इंसान के साथ किया, एक लड़की के साथ वो चीज़ किया, और हम सब लाखों लोग उसके साथ जो कर रहे हैं, क्या कई गुना ज़्यादा उसको पेन नहीं मिल गया? क्या उसको जो उसने किया उसका सज़ा कई गुना ज़्यादा नहीं मिल गया? जितना की नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा मिल गया? और सबसे बड़ी चीज़ कि हम और आप कौन होते हैं उसको सज़ा देने वाले? हम और आप उसको कौन गलत ठहराने वाले होते हैं? हमने उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाया है? मैंने उसके लिए क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। तो जब मैं किसी की ज़िंदगी को बना नहीं रहा हूँ तो उसको तबाह करने का भी मेरा कोई हक नहीं है। थोड़ा सा सोचा करो या थोड़ा सा लॉजिक लगा कि कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का, इस तरीके का कोई पोस्ट होता है, कोई वीडियो होता है, तो शेयर किया करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एक शेयर से किसी इंसान का ज़िंदगी तबाह हो सकता है? इस चीज़ को सोचो। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ये एक इंटरटेनमेंट का फॉर्म है। अरे यार, दुनिया में इंटरटेनमेंट करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए सिर्फ यही चीज़ बच गया है?
कोई एक बूढ़ी औरत का जो बहुत स्ट्रगल की है, बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत पेन बहुत तकलीफ दिखी है, अब थोड़ा सा उसके ज़िंदगी में रोशनी आया है, वो अपने ज़िंदगी में कुछ कर रही है, अच्छा अपना ज़िंदगी को जी रही है, थोड़ा सा उससे गलती क्या होता है कि उसको हम फिर नरक में डाल देते हैं और हम बोलते हैं कि ये इंटरटेनमेंट का फॉर्म है, बहुत बेहतरीन इंटरटेनमेंट का फॉर्म। दुनिया में इंटरटेनमेंट करने का सब कुछ फॉर्म खत्म हो गया, सिर्फ यही चीज़ बचा है, उसको हम पोर्न स्टार के साथ कंपेयर करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, आज कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी समझ, तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये चीज़ जो उसके साथ हो रही है, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी कभी हो सकती है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कभी हुई ना, आपको बहुत तकलीफ रहेगा, क्योंकि आपने भी किसी के साथ किया है ये चीज़, और उसके में आपको बहुत अफसोस होगा।